हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है जसराज और आप देख रहे हैं जसोल कंप्यूटर चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन सीएसटी पोर्टल से सिविल स्कोर रिपोर्ट निकालना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और आज गणतंत्र दिवस पर हमारे को सीएससी ऑफर दे रही है बिल्कुल फ्री में सिविल स्कोर निकालने का। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखें। और अभी तक आप हमारे इस जसोल कंप्यूटर चैनल पर नए हैं तो जसोल कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अब हम चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर और आपको लाइव प्रोसेस करके दिखा देते हैं कि सिविल स्कोर रिपोर्ट कैसे निकली जाती है और ये फ्री में निकलती है या नहीं निकलती है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सीएससी से सिविल रिपोर्ट देखने के लिए सबसे पहले सीएससी पोर्टल को ओपन कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर सिविल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सिविल पे क्लिक करोगे तो ये आगे का टैब है, ये ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख देना है और फिर आपको यहाँ पर मिडिल नेम अगर है तो आप लिख देना है और लास्ट नेम है तो लिख देना है। फिर आपको मेल फीमेल जो भी है सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर पैन कार्ड नंबर। फिर आपको एड्रेस जो भी एड्रेस है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। मैं यहाँ पर परमानेंट एड्रेस को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर एड्रेस लिख दूंगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पर पिन कोड लिख देना है, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट से भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, आईरिस से भी कर सकते हैं और ओटीपी से भी कर सकते हैं। तो ये मैं पूरी डिटेल को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद में आगे की प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। और मैं यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल फिल करने के बाद प्रोसीड कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारे मोबाइल पर ओटीपी आएगा। यहाँ पर ओटीपी मोबाइल और ईमेल दोनों पे ही भेजा गया है। मैं यहाँ पर मोबाइल वाला ओटीपी है वो लगा देता हूँ और यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ओटीपी है वो वेरिफिकेशन हो गया है। अब हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और ऊपर हमारी पूरी की पूरी डिटेल आप भी आ गई है। यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पैन कार्ड नंबर और डिस्ट्रिक्ट सब आ गए हैं। अब हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर लेते हैं और अब यहाँ पर हमारे 1 रुपया कटने को बोल रहा है। सीएससी वॉलेट पिन हमारे को लगा देना है तो मैंने यहाँ पर वॉलेट पिन लगा दिया है। अब यहाँ पर पे पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर 1 रुपया मेरा कट रहा है। तो 1 रुपया सीएससी ने बोला है जो भी आपका 1 रुपया कटेगा वो आपको वापस रिफंड कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा सक्सेसफुली 1 रुपया कट गया है। और यहाँ पर हमारे को व्यू रिपोर्ट और यहाँ पर डाउनलोड रिपोर्ट भी लिखा हुआ आ गया है। तो हम यहाँ पर डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करके सीबीएल डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारी रिपोर्ट डाउनलोड नहीं हुई है। अब यहाँ पर व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करके देख लेते हैं तो यहाँ पर व्यू रिपोर्ट में पूरी डिटेल है वो ओपन हो गई है। तो यहाँ पर मैं पूरी सीबीएल रिपोर्ट है वो चेक कर लेता हूँ और इसको मैं सेव भी कर लूंगा। और आप भी इसी तरीके से सिविल रिपोर्ट है वो चेक कर सकते हैं सीएससी के पोर्टल से। और यहाँ पर मेरी 753 सिविल रिपोर्ट दिखाई गई है। तो इस प्रकार से सिविल रिपोर्ट भी आप भी देख सकते हैं। और फ्रेंड, मैंने एक वीडियो बनाया था जो एसबीआई के पोर्टल से आप सिविल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, तो उसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप एसबीआई पोर्टल से भी बिल्कुल फ्री में सिविल रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं।